हाउ टू फिक्स गूगल पे कुड नॉट रीच सर्वर फेसिंग दिस इशूज। गूगल पे को जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करते हो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड है, ओटीपी है, नहीं आता है, आपको कुड नॉट रीच गाइस यहाँ पे सर्वर्स की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करना है आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। बेसिक सी बातें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक कहीं भाई लोग ऐसे हैं जो गूगल पे को वेरिफिकेशन करने के लिए गूगल पे को ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपको रिसीव नहीं होता है। यदि रिसीव हो भी जाता है तो आपको सेम इस प्रकार से प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आइए वो चीज़ हम लोग जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आना है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आने के बाद में बेसिक सी बात है, आपको सबसे पहले काम आपको ये करना है ऑफिशियली फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। देन आपको नीचे की साइड में जाना है, स्क्रॉल करते हुए आपको ऐप सेटिंग ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शंस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो आ जाएंगे। नीचे की साइड में जाना है, आपको गूगल पे को ढूंढना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, फर्स्ट फुल फोर्स स्टॉप करना है। देन आपको स्टोरेज पे जाना है, क्लियर कैश करना है, क्लियर ओल्ड डेटा करना है अपने गूगल प्ले स्टोर का। क्लियर ओल्ड डेटा करने के बाद में यहाँ से वापस जाना है। अब आपको सिंपली ऑफिशियली गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में जाना है, आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे गूगल पे सर्च करते हो ऑफिशियली गूगल पे एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। अब सिंपली गाइस यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट करना है एक न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में। मेरे भाई लोग जैसे ही आपका गूगल प्ले स्टोर सक्सेसफुली अपडेट होता है एंड उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब जैसे ही मेरे भाई लोग आपका गूगल पे एप्लीकेशन है गाइस यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से कट मारना है। आप सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, नीचे साइड में आना है, आपको एक ऑप्शन ढूंढना है सेटिंग्स करके एक आपको मिलेगा, नीचे साइड में आना है। आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शंस मिलेगा, इधर चले आना है, आपको रीसेट फ़ोन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। सक्सेसफुली आपको अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। मेरे भाई लोग जैसे ही आपका नेटवर्क सेटिंग है सक्सेसफुली रीसेट होता है एंड उसके बाद में आपको एक बार नेटवर्क को रिकनेक्ट करना है, वाईफाई यूज़ करते हो या फिर मोबाइल डेटा यूज करते हो। रिकनेक्ट करने के बाद में यहाँ से बैकग्राउंड से सारा कुछ रिफ्रेश मारना है। अब जो आपका मैसेजेस का एप्लीकेशन हो गया इसके ऊपर प्रेस करना है या पिन पर में आना है। आपको परमिशंस को यहाँ पे चेकआउट करना है, SMS वाला परमिशन से अलाउ है या नहीं है, यदि आपका डोंट अलाउ है तो इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में अब सिंपली क्या करना है, गूगल पे को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने आया मोबाइल नंबर डाला, जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हो वेरिफिकेशन ओटीपी कोड है आ रहा है, जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो फिक्स आउट हो चुकी है। ओके सो दैट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। देख ही सकते मेरा फुल्ली तरीके से वर्क कर रहा है। वेरिफिकेशन मेरा फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो रहा है ओके एंड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएगा।